तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट प्रोजेक्ट की। जी हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया आप किस तरीके से माइक्रो के अंदर हम यूज करते हैं कोड को, हम फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल कैसे क्लोज करते हैं, सेव पेरेंट वगैरह। आज हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम को, रियल टाइम प्रोजेक्ट को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि आखिर हम माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाते क्यों हैं, कैसे हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है। तो प्रोजेक्ट क्या है, चलिए प्रोजेक्ट को समझते हैं और अंत तक आप जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज इसमें बताने वाला हुआ है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ ये मैं कभी यूज किया करता था। तो जैसे कि आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर है उसे डेटा डाउनलोड करना होता है, तब वो जाते हैं बटन पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड में डाउनलोड हो जाता है एक्चुअल फाइल। लेकिन कुछ पुराने सॉफ्टवेयर थे, उस सॉफ्टवेयर में क्या था कि वो डेटा डाउनलोड नहीं होता था, डेटा एडिट होता था। हमें बताना होता था कि एक पर्टिकुलर फाइल को में डेटा डालना है, मतलब कि डेटा डाउनलोड करने से पहले एक लोकेशन में एक एक्सेल फाइल को क्रिएट करके हमें रखना पड़ता था। फिर हम डाउनलोड से क्लिक करते थे तो फिर वो डेटा को उसमें डाउनलोड करता। तो हमें क्या है कि हर दिन एक फाइल एक लोकेशन में क्रिएट करना होता, फाइल एंड फोल्डर। तो मुझे ई ड्राइव के अंदर ईयर का फोल्डर क्रिएट करना है, 2020 का फोल्डर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्रिएट करना है। फिर 2020 के अंदर कौन सा महीना चल रहा, अगस्त, अगस्त का फोल्डर क्रिएट करना है। अगर अगस्त का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करना है। फिर अगस्त के अंदर आज की डेट 18 तारीख है तो 18 का फोल्डर क्रिएट करना है। अगर 18 का फोल्डर है तो नहीं क्रिएट नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो क्रिएट करना है। फिर 18 के अंदर फिर 18.xlsx के नाम से फाइल क्रिएट करना है और ये मुझे हर दिन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं एक माइक्रो बनाए जो बस क्लिक करे वो ऑटोमेटिकली फोल्डर चेक करके, फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर फाइल बनाता चले जाए, ताकि जब मैं फोल्डर एकदम डाउनलोड करे तो ऑटोमेटिकली उस फाइल में डेटा को डाल दे। इम्तियाज जी, सुहाग जी, गणेश जी, प्रॉब्लम समझ में आया क्या करना है? इम्तियाज जी, जी सर, समझ में आया कि करना क्या है? यस सर, फाइल को डाउनलोड करके वो अपने आप सेव कर दे वो फाइल फोल्डर में। मैं दोबारा बताता हूँ, आपको लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है। देखिए हमें क्या करना है कि ई ड्राइव में जाना है या ई जी ड्राइव मान लीजिए 2020 में चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए AMNIF चले जाएगा ई ड्राइव में, ई ड्राइव में जाने के बाद चेक करेगा कि क्या 2020 का फोल्डर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करेगा, उसका नाम डालेगा 2020। ओके फिर इसके अंदर खोलेगा और चेक करेगा कि क्या इसमें 8 अगस्त का फोल्डर है नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो एक फोल्डर बनाएगा अगस्त का। ओके 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 फिर इस 8 नंबर फोल्डर को खोलेगा और फिर चेक करेगा कि 18 तारीख है, 18 का फोल्डर है या नहीं। 18 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं तो 18 का फोल्डर बनाएगा। और फिर इस 18 के अंदर में एक नई एक्सेल फाइल सेव कर देगा, एक नई एक्सेल फाइल जिसका नाम etin.xls होगा। आया था आपको? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आया। तो पहले प्रॉब्लम को समझना होता है, समझा के हम सोल्यूशन समझ पाते हैं। जी जी सर। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 2020 को। चलिए तो इसके लिए हम एक एक्सेल फाइल, इसमें मैं पहले से बना हुआ एक्सेल को बंद कर देता हूँ। एक एक्सेल फाइल को हम खोलते हैं, कोई एक्सेल फाइल, क्योंकि प्रोग्रामिंग सब वीडियो में करेंगे, एक्सेल फाइल दिखता ही चाहिए। फिर हम जाएंगे डेवलपर टैब, अगर डेवलपर टैब आपके पास नहीं है तो फाइल मेनू बार में
ऑप्शन के अंदर में डेवलपर टैग लेके आ जाएंगे, ठीक है। क्या कहां पे? फाइल मेनू बार ऑप्शन, एक मेनू में वापस मुझे भी एक साथ करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका हमें एल्गोरिथम तैयार करना हो स्टेप, तभी तो उसकी भी आप तुम कोडिंग करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हमें चाहिए होगा डेवलपर टैग, तो सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, डेवलपर टैग के लिए कस्टमाइज में, और यहां से डेवलपर टैग को ऑप्शन पहला काम होगा, ये वन टाइम ही करना अगर नहीं है तो फिर आपको अपना माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर दीजिए, अनेबल और माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिसेबल होगा, अगर आपका अनेबल है कोई बात नहीं। फिर फाइल को सेव कीजिए, किसमें? फाइल को सेव कीजिए यहां माइक्रो अनेबल वर्कबुक, किसमें? माइक्रो अनेबल वर्क, एक अनेबल इतना जब हो जाए उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां इंस्टॉल करेंगे मॉड्यूल। अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं है तो यहां कंट्रोल आर से ले आइएगा, ठीक है। तो आप मॉड्यूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जो कि प्रोग्रामिंग करेंगे हम यहां पे करेंगे। अब यहां पे मैं सब्जेक्ट और यहां पे फर्स्ट माइक्रो अब जो भी प्रोग्रामिंग होगी इसके लिए यहाँ पर हमने अपना माइक्रो डिक्लेरेशन कर लिया। यहाँ पे समझ आ रहा है आपको इम्तियाज जी? सर समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है सर, इसमें आपको कुछ भी लिखना है तो फिर प्रेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चीजें ने बताई डेवलपर टैग है माइक्रो सिक्योरिटी लेवल, आपको वन टाइम ही करना है, हर बार नहीं करना है। अच्छा, तो माइक्रो डेवलपर टैग क्यों चाहिए? ताकि आप यहाँ से नेविगेट कर सके माइक्रो को। दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी में अनेबल माइक्रो करना ताकि माइक्रो आपका रन हो, क्योंकि डिसेबल होता है ना बाय डिफॉल्ट। जी 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 सर, ये दो चीजें करनी है। विजुअल बेसिक पे क्लिक करना, प्रोग्रामिंग लिखेंगे कहाँ पे? तो हम मॉड्यूल में लिखते हैं। तो यहाँ एडिटर है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है। ओके, इंस्टॉल पे जाना है और मॉड्यूल पे इंस्टॉल करना कि हाँ मॉड्यूल आ जाएगा, इस पे डबल क्लिक कीजिए। अब आपको सब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट क्रिएट क्यों करेंगे? क्योंकि माइक्रो आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपको यहाँ माइक्रो लिस्ट में कैसे आएगा? जब तक आप सब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि रन तो हम यहाँ से करेंगे ना। जी सर जी बिल्कुल। हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट क्रिएट किया, फर्स्ट माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो का नेम दिया बैक रोमिन कॉलेज, और यहाँ पे एंसर। अब हम दो ही कोड लिखेंगे ना, वो इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे। ओके ठीक है, अब एक स्टेप बाय स्टेप कोड। तो क्या है हमारा कोड? हमारा कोड है सबसे पहले तो हमें सिस्टम डेट चाहिए, ठीक है, गेट सिस्टम डेट। उसके बाद आता है यहां पे गेट ईयर, पहले ईयर का फोल्डर बनाना है ना, गेट करेंट ईयर, गेट करेंट मंथ, ये सेट बना लेंगे तो वन बाय वन करेंगे हम। गेट अब जैसे कि अभी तो शुरुआती है तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो अलग ही डिमांड होता है, कुछ और तो बना रहे हैं तो फिर आपको नोट करना, तो याद ही रहेगा इसीलिए ना। करेंट डेट, तो हमने क्या चाहिए, तीन फोल्डर बनाने हैं ना, मंथ ईयर के लिए, मंथ में डे के लिए। तो हमने सबसे पहले तीन इस डेट में, जैसे करेंट डेट क्या होता है,
टुडे जो फॉर्मूला होता है ना सर, टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम भेज देता है, इसलिए एक्सेल के साथ रिलेट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ ईयर के लिए हमें ईयर का फॉर्मूला लगाना, मंथ के लिए हमें मंथ का फॉर्मूला लगाना, और डे के लिए हमें डे का फॉर्मूला लगाना, ओके। तो तीन चीजें स्टैक हो जाएगी, इसी मेथड को बीवी भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे आता है क्रिएट, ईयर फोल्डर इन एस ड्राइव, क्रिएट ईयर स्लैश मंथ, ईयर के बाद मंथ इन द एस ड्राइव, और यही चल जाएगा आपका वन यहाँ पे डे क्रिएट न्यू वर्क बुक पेयर वर्क बुक इन एप स्लैश ईयर स्लैश मंथ स्लैश डे स्लैश डे डॉट एक्सेल क्लोज फाइल, और यहां माइक्रोसॉफ्ट। अब वन बाय वन करते हैं, ये तो एक्सेल में बीवीए में इसे एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला होता है सिस्टम डेट के लिए, टाइम से आज दिन, तो वीवीए में होता है डेट, तो अगर आपने डेट कर दिया तो करेंट सिस्टम डेट जाता है। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, ईयर निकालना है, तो ईयर का फॉर्मूला जैसे एक्सेल में वर्क करता है तो वीवीए में वर्क करता है। कैसे पता चला, हमने ईयर लिखा तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया, अब इसके अंदर डेट दे दिए, ईयर कैलकुलेट करेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ ईयर का फॉर्मूला लगाया तो एक सेल पे लगाया ना, हमारा जो 2020 आया और सेल पे स्टोर है, जे थ्री पे स्टोर है ना, बट यहाँ कहाँ लागू होगा, यहाँ तो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई, जैसे हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं इक्वल डेट, तो अब जो ईयर जो कैलकुलेशन करेगी और जो ईयर निकालेगा 2020 वो वाई पे स्टोर कर, जहां जहां 2020 करेगी वहां हम वाई को कंसिडर करेंगे, और सेम चीज यहां मंथ आपके मंथ, और यहां पे दे देते हैं डे, और सेम यहां पे डे के लिए डे का ये तो जो फॉर्मूला वही होगा, सपोर्ट नहीं करेगा ना, नीचे स्पेशल नहीं आया तो समझ जाइए सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, हमने पता कर लिया डेट से, हमने ईयर कैलकुलेट से अलग कर दिया जो कि वाई पे स्टोर है, हमने मंथ को कैलकुलेट कर दिया जो कि एम पे स्टोर है, हमने डे को कैलकुलेट कर दिया जो कि डी पे स्टोर है। अब बात करते हैं हमें ईयर का फोल्डर कहाँ कैलकुलेट करना है, एस ड्राइव, जो एक ड्राइव है उसमें ले लो। अब ईयर का फोल्डर फोल्डर क्रिएट करने का फॉर्मूला होता है एम के वी आई आर मेक डायरेक्टरी, इसको याद रखिए, तो याद करने वाली चीज, तो डी आई आर यहाँ पे एम के वी आई आर, और उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया 2020, तो ये क्या करेगा, एस में जाएगा 2020 का फोल्डर क्रिएट करेगा, मतलब जो लास्ट में होता है ना वो क्रिएट होता है, तो 2020 यहाँ पर फिक्स हो गया ना, अगले साल 2021 होगा तो 2021 तक तो ओपन नहीं होगी क्या, तो कैसे करें, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि एफ ड्राइव है आपका, अब मुझे दोनों को मिला के एक स्पार्क बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसको कंसीडर करेंगे और फिर फ्लैश देंगे और फिर एन परसेंट देंगे इसको देंगे, तो याद है क्या,
सर ये स्लैश और ऊपर इन्वर्टेड कोमा का थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, यूज तो ठीक है लेकिन ये क्यों भी सिंपल सी बात समझ जाइए ना, इन्वर्टेड कोमा हम वहां लगाते हैं जहां हमें टेक्स्ट इंटीजर नहीं होती। अब एफ जो है कुछ कोड तो नहीं है, हम जो यहाँ बात समझिए कि यहाँ पे जो कुछ कोड होगा उसी को हम विदाउट इन्वर्टेड कोमा डालेंगे। ओके और ये एंड का सिंबल सर, एंड का सिंबल होता है ज्वाइन करने के लिए, एक्सेल का पार्ट है, वीडियो में पार्ट करिए एक्सेल से। और एक्सेल में आपको अगर दो सेल सुजीत कुमार, जीत है कुमार, इसको जोड़ के यहाँ पे सुजीत कुमार इकट्ठा लिखना हो तो क्या करेंगे? एंड एंड सर। ओके यहाँ पे तो आप कॉन्कटा में इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना? हाँ कॉन्कनेट कर देंगे सर। तो कॉन्कनेट के लिए शॉर्टकट होता है एंड कर देंगे, समझ गए? तो सेम चीज मैंने यहाँ भी किया ना। okay, तो यहाँ भी, यहाँ भी क्या है कि हमारा जो ईयर है ना वो फिक्स नहीं है, वो हमारा ईयर जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आता है जो कि सिस्टम डेट से कनेक्टेड है। सिस्टम डेट को कौन कनेक्ट कर रहा है? डेट। तो डेट जो एक कोड होता है, इसको भी याद करने वाली चीज है, डेट जो एक कोड होता है वो आपकी सिस्टम डेट को बताता है। अब सिस्टम डेट में ईयर जो है जो कि एक्सेल का फॉर्मूला है वो एक्सेल भी चलता है और वीडियो भी चलता है और डेट कैलकुलेट करती है, लेकिन इसको स्टोरेज पॉइंट चाहिए तो इसमें हमने वेरिएबल ले लिया, इसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कि टेंपरेरी सेंट्रल लोकेशन। जब माइक्रो चलेगा ना तो रफली एक जगह पे वाई नाम का जगह क्रिएट कर देगा, या सीट मान लीजिए सीट क्रिएट किया तो वाई नाम का सेल क्रिएट कर देगा और वैल्यू को उस पर होल्ड कर देगा। जब माइक्रो खत्म होगा तो सबको डिलीट कर, जिससे आप मैथमेटिक्स क्लास में समय रफ यूज करते थे ना, सेम तरह। अब यहाँ पे एंटी डायरेक्टिव में हमारे पता है राइट क्या है, बट हमें इन फोल्डर बोलता है तो उनका नाम, फोल्डर का नाम बोलता देना, हमें पता है कि वाई देना है। कैसे पता चला? हमें जो यहाँ कैलकुलेट होगा वही जाना, लेकिन दोनों के फॉर्मेट के जरिए जो कि एंटी डी आई आर को किस तरह से चाहिए, एमपीडीआई को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इस तरह से, समझ गए? इसलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा जैसे कि अभी आपने एक्सेल पे देखा। अब मुझे इसमें एक काम और करना है कि अब अगला फोल्डर क्रिएट करना है ना मैं, तो यहां पर तो फोल्डर क्रिएट है, वापस हमने बोला 2015 जो करेंट ईयर का फोल्डर है उस फोल्डर फोल्डर कौन सा पता चलेगा? वाई से। उस फोल्डर के अंदर जाओ और महीना का फोल्डर बनाओ। ओके, मतलब कि हमने क्या किया कि इस कोड में हमने बोला एक कोड तो पहले तो है हमारे पास, इसमें हमने बस स्लैश बैक स्लैश स्लैश किया और हमने यहाँ पे मंथ ले लिया। तो अगला लाइन क्या बन गया? F slash 2020 plus A, क्योंकि एक बात एक एक्सेसिंग कर रहा हूँ कि वन बाय वन ही फोल्डर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले 2020 का फोल्डर क्रिएट करेगा, फिर 2020 के आधार एक का क्रिएट करेगा जो कि एम के भी आएगा, जो लास्ट में होता है उसी को क्रिएट करता है। इसे 2020 का होना जरूरी है, इसलिए सेकंड लाइन में दिखा रहा है। जब ये लाइन चल जाएगा तभी इस लाइन को फॉर्म करेगा, क्योंकि वीबीए वन बाय वन चलता है। अब इसी को डिप्लेन करेंगे यहाँ और इसमें एंड परसेंट और यहाँ पे हमने दे दिया डे, जैसे कि यहाँ हमने इसमें कंसीडर कर दिया बैक स्लैश और डे। अब बैक स्लैश क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि फुल पास सिस्टम नहीं होता ना, अब एक्सेल से पास जाते हैं एक्सेल को भी फाइल खोलते हैं, यूजर यूनिट खोल दिया, फाइल खोल दिया, उसका पास का सिस्टम यही है। हमें इसी सिस्टम में डालना होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा जो फॉर्मूला ईयर मंथ डे कर रहा है सिर्फ नंबर डाल रहा है, वो बैक स्लैश में डाल रहा है, इसे हमें बैक स्लैश बाहर में लगाना होगा। जैसे मैंने बताया कि कोड के अलावा कोई भी टेक्स्ट होगा उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में। हेलो आप सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
सर आवाज फट रही है नहीं सर नहीं आ रही है नहीं सर थोड़ा इको आ रहा है उसमें और रुक रही है आवाज हाँ सर ठीक है अभी पंखे की भी आवाज आ रही है सर ठीक है अभी हेलो अभी क्लियर है सर यस सर क्लियर यस सर क्लियर हेलो हेलो अभी क्लियर है सर आपका क्लियर है सर आपकी आवाज हेलो 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 हाँ सर अभी क्लियर है आवाज आ रही सर मेरी जी सर आवाज आ रही है सर जी आ रही है आवाज आपकी हेलो सर आवाज आ रही है मेरी यस सर आ रही है मिल रही है आवाज आपकी मैसेज पढ़िए सर अब जी सुन पा रहे हैं मुझे आप यस सर सुन पा रहे हैं हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं तो हम स्लैश ला के करते हैं क्रिएट जब सेकंड हम उसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं तो हम सिंपल लगाते हैं स्लैश तो यहाँ पे जैसे हमने स्लैश के बाद ये जो कोलन पे स्लैश पे कोलन जो लगाया है तो उसमें तो हम नहीं यूज करते जब हम कोई भी फोल्डर मतलब क्या स्लैश ये जो है तो पाथ है ना सर ये आपका पहले ये आपका ड्राइव है क्या है ड्राइव है और ये आपका सेमी कोलन ड्राइव का ही पार्ट होता है आप जब देखेंगे तो ड्राइव में होता है ना सर सेमी कोलन हाँ सर मैं जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये स्लैश तो 19 स्लैश और डे स्लैश 8 मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऐसे हम क्रिएट करें तो होता है ठीक है तो इसका यहाँ पे क्या है मतलब कि इसके स्लैश फिर हमने एंड पर्सन लगाया उसका हमने जोड़ दिया और ये जो कोलन और स्लैश पे जो कोलन जो लगाया है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है सर अभी जो है ना उनको जब हमने फोल्डर का नाम डेट लिया है ना इसके लिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं अगर इसके जगह पर हम अगर नाम लेते हैं या एबीसी स्लैश बी सी डी ऐसा कुछ तो उनको जल्दी समझ में फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह ए बनेगा आपका एफ एफ कोलन एक्चुअली ये न्यूमेरिक नहीं इसीलिए सेमी कोलन लगा रहे हैं ना सर सर एक सॉरी टू डिस्टर्ब अगर उनको पाथ के बारे में आप बता दोगे ना सर कि पाथ कैसा होता है उसका कैसा नोटिफिकेशन होता है बता ही रहा हूं ना पाथ कैसा होता है पाथ तो सर बताने की चीज थोड़ी है पाथ तो वही मैं बोल रहा हूं सर पाथ ही होता है देखिए पाथ ही होता है जो आप ऊपर जी यहां पे ये पाथ इसी को बोलते हैं हम इसी फॉर्मेट पे लिखना होगा ना मुझे बीबीए में भी करेक्ट तो इसीलिए रहा और ये जो हमें इसको इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं डबल कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा जैसे कि हमने आपको बताया कि वीवीए में नन कोड में कोई भी टेक्स्ट को चाहे आप वीवीए छोड़िए आप फॉर्मूले में भी जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना क्या बोल रहे हैं सर यस सर यस सर सर मैं एक्चुअली यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे अभी आपने ये जो पाथ लिखा है 20/8/ और ये 18 तो अगर मैं तीन फोल्डर बनाता हूँ तो क्रिएट हो जाएगा तो इनमें इसमें और इसमें डिफरेंस ये मतलब क्या है कि जैसे ये डबल कोटेशन स्लैश अगर हमने मैनुअल लिख दिया तो फिक्स हो गया ना हमें तो हर फोल्डर को चेंज करना है ना सर आज 18 बनाया तो कल 19 बनेगा ना सर नहीं सर सिर्फ मैं सिर्फ जो कोटेशन है और स्लैश कोटेशन जो लगाया है मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ ये जो हमने लगाया हुआ है बेसिकली हमने वाई वेरिएबल लिया हुआ है हमारा जो ये फोल्डर का नेम है ना सर वो नेम फिक्स नहीं है ये हर दिन डेट के हिसाब से एडजस्ट होगा
और जो डेट के हिसाब से एडजस्ट हुआ इसकी इंफॉर्मेशन यहां पे होगी, तब यहां से इसको कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसको इन्वर्टर कमा में अगर 2020 के जगह पे मैं वाई कर दूंगा तो वाई नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा, वो वाई की वैल्यू नहीं लेगा। जैसे एक्सेल में अगर एक्सेल के अंदर ही मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर A1 पे 20 लिखा हुआ है राइट, A2 पे 20 लिखा हुआ, अगर आपने A2 विदाउट इन्वर्टर कमा लिया तो फिर वो A2 की वैल्यू शो करेगा ना। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में A2 लिख दिया तो क्या होगा, अब A20 शो करेगा या सिर्फ A2 को शो करेगा। तो यही सीन यहां पर है, अगर हमने डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा जो भी है उसके बीच में अगर हमने Y को रखा तो क्या हो जाएगा, वो ABCD के तरह रीड करेगा, उसको वेरिएबल नहीं समझेगा, इसलिए उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा से हटा के रखना है। समझ गए? Okay. इसलिए इतना N% वगैरह हमें लगाना पड़ा, नहीं तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। डेट वाइज फोल्डर क्रिएट होते रहेंगे अगर एक बार कोडिंग कर गया तो, राइट सर? अब यहाँ पे देखिए एक और भी है, यहाँ पे workbook.add जो हमने कल सीखा था, हमने एक नया वर्कबुक को ऐड किया, फिर उसी वर्कबुक को हमने सेव किया एक्टिव workbook.save as, लेकिन सेव एज कहाँ करना है, हमें इस पाथ में करना है, तो हमने इस पाथ को उठाया। देखिए ये तो सिर्फ पाथ ही है ना, हमें तो इसका फाइल का नाम भी चाहिए ना सर। तो यहाँ पे हम एक बार और बैक स्लैश लगाते हैं N%D N%, यहाँ पे .x/x। देखिए ए क्या बनेगा, ए कंबाइन होने के बाद यहाँ पे मैं इसको कमेंट के तौर पे लिख रहा हूं, ये बन जाएगा अगर आज अगर करेगा तो 18.xlsx। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम आ रहा है ना, यहाँ 2020 के जगह पे मैंने वाई कर दिया, N% को अगर इग्नोर कर दिया, N% को ना देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पे वाई जो था वो 20 है, यहाँ पे आपका 18 है, सॉरी 8 है, यहाँ पे आपका 18 है, यहाँ पे आपका 18। N% क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइन फेविकॉल का काम कर रहा है। अब वर्कबुक, अब यहाँ पे हमने नया वर्कबुक ऐड किया, उसको हमने सेव कर दिया जो मेरा मेन फंक्शन था। देखिए ये फाइल अभी भी ओपन है, हमें इस फाइल को क्लोज भी तो कर देना है, और जो फाइल अभी सेव हुई है, जो फाइल ओपन हुई है वही तो एक्टिवेट है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहाँ पे टू कर दिया। अब ये आपका माइक्रो परफॉर्म करने के लिए तैयार है, बड़े माइक्रो चलेगा सिर्फ एक बार, सेकेंड टाइम चलते ही एरर देगा। क्यों? क्योंकि 2020 का फोल्डर तो साल में एक बार क्रिएट होगा, ये 18 का फोल्डर, ये 8 का फोल्डर तो महीने में एक बार क्रिएट होगा, तो यहां एक नाम में दो फोल्डर तो क्रिएट नहीं हो सकते ना सर। तो जैसे सेकेंड टाइम मैं एक टाइम रन, अभी एक बार मैं रन करता हूं यहां माइक्रो में, इसमें एक्सेल में जाके माइक्रो गया और हमने इसको रन कर दिया, रन हो गया, सब कुछ फाइनल है। आप देखिए यहां 2000 यहां पे एफ ड्राइव में आइए, 2020 का फोल्डर बनाया, 8 का फोल्डर बन गया, 18 का फोल्डर बन गया और 18 का फाइल। अब मान लीजिए कल मैं इस फाइल को रन करूंगा, कल इसी माइक्रो को रन करूंगा हमारी 19 तारीख के फोल्डर और 19 तारीख के फाइल के लिए, तो ये हमारा एरर देगा। क्यों? फाइल पाथ एक्सेस एरर, आप देख रहे हैं फाइल पाथ एक्सेस एरर। क्यों? अब मैं डिबग पे क्लिक करूंगा तो मुझे बताएगा कि कौन सा लाइन में कोड दिक्कत है, इस लाइन में दिक्कत है। तो क्या दिक्कत था? फाइल पाथ एक्सेस एरर, मतलब कि फोल्डर जो है आपका जो कंप्यूटर है वो VVA को फोल्डर क्रिएट करने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर एक ड्राइव में या एक फोल्डर में हो ही नहीं सकते, तो मुझे इसको इग्नोर कर देना है। तो कैसे इग्नोर करेंगे? तो इग्नोर करने के लिए आपको सबसे स्टार्टिंग में या जहां से नीचे का कोड इग्नोर करना है वहां पे आके सिंपल सा एक कोड देना है ऑन
एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये भी याद करने की। हमने बोला ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब जिस लाइन में एरर है उसको भाई स्किप करो, अगली लाइन को चलो। तो 2020 का फोल्डर है तो स्किप करके आगे है तो क्या होगा, एरर देगा, एरर देगा तो ए लाइन चेक करते रहेगा कि भाई मुझसे नीचे किसको किसको एरर दे रहा है। जैसे एरर आया मतलब भाई स्किप करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो अगले लाइन जाएगा। अगर अगले लाइन परफॉर्म किया था ठीक है, अदरवाइज फिर तो आगे बढ़ो, तो ऐसे ही चलता जाए। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, 2020 में 8 के अंदर 18 का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, रीड कर दिया। अब मैं माइक्रो को रन करता हूँ, माइक्रोज में गया और यहां से रन हो गया, रन कोई एरर नहीं दिखा। अब 2018 का फोल्डर क्रिएट हो गया ना सर। अगर मैं डेट चेंज कर दूं 19 कर दूं तो फिर 19 का फोल्डर क्रिएट करेगा। अब मुझे आप लोग बताएं कि इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है, इस कोड में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज आपको समझ